हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और आज के जो क्वेश्चंस है ना, ये 1000 का सीरीज चलेगा। हिस्ट्री में आज पहला सीरीज है जो कि आपका 100 क्वेश्चन इसमें कराऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा और यहाँ से आपको पेपर में देखने को मिलेगा अगर पेपर देने जा रहे हैं तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने क्या कहता था अपने को? बंगाल टाइगर कहता था। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय है। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय है। तो सिविल सेवा में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सिविल सेवा में चयनित पहले जो भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर होगा सिपाही विद्रोह के बाद। राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर आपका, सिपाही विद्रोह के बाद हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से एग्जाम में पेपर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम जनरल गवर्नर था? तो राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक। ए इज द राइट आंसर, विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर, राम प्रसाद बिस्मिल डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राइट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। कार्नवालिस ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो राइट आंसर होगा सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक ये चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो राइट आंसर शाहजहां। डी इज द करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां ने किया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर, हिमाऊ ने हराया था। सी इज द राइट आंसर, हिमाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी? अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, दारा के द्वारा। सी इज द राइट आंसर, दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की स्थापना क्या कारण है था? हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड का हंटर आयोग की स्थापना का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर का, खिज्र खान ने किया था। खिज्र खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर ए डी इज द करेक्ट आंसर होगा, सिकंदर लोदी। राइट आंसर होगा, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध किस वंश से संबंधित है? बुध किस वंश से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, शाक्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ आश्रम से आश्रम में उल्लेखित नहीं है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अगर मैं बात करूं तो बी इज द करेक्ट आंसर, हिरण जो है कि उसमें उल्लेखित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, पाली में की गई थी जो आपकी प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, त्रिशला।
त्रिशला थी, महावीर की जो माता का नाम था त्रिशला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, जातक। सी इज द करेक्ट आंसर, जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, गया में दिया था। सी इज द राइट आंसर, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, बिंबिसार। बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृत में निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं होती थी? हड़प्पा संस्कृत में निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं होती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मातृ देवी की पूजा नहीं होती थी, मातृ देवी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का उदय हुआ? किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का उदय हुआ? तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हुआ, सिंधु काल। सिंधु काल का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में से माना जाता है? शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, हड़प्पा को माना जाता है, हड़प्पा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोयल से विवृत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोयल से विवृत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा, सोना। सोना से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का चावल और जौ था, चावल और जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणियम उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो अस्थायी उपहार प्रदान किए वे थे तो राइट आंसर गेहूं और कपास की खेती, जो उन्होंने उपहार में प्रदान किया था, गेहूं और कपास की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वह नगरीय सभ्यता थी, वह नगरीय सभ्यता थी। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारक है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, मित्र भांड हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, मित्र भांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव थी, इसीलिए ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, पुरातात्विक खुदाई का प्रमुख स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो राइट आंसर होगा सिंधु नदी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? सिंधु नदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, के के के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और याम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, कठोपनिषद में प्राप्त होता है, कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पनो क्या है? राइट आंसर होगा यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ, मिलिंद
जो मिलिंद पनो था वो आपका बौद्ध ग्रंथ था। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा कुभा वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए इज द करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लो धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, अंतरंजी खेड़ा, अंतरंजी खेड़ा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, सामवेद पर आधारित है, सामवेद बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानात्री में शामिल नहीं है? प्रस्थानात्री में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर होगा भागवत आपका हो जाएगा, भागवत ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से संबंधित है, जो कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है आपका मीमांसा से संबंधित है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हुआ, चिकित्सा से, चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, ये आपका राइट आंसर होगा यजुर्वेद में, यजुर्वेद में डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा तो राइट आंसर होगा वैदिक युगीन सभा इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, द ऑथर ऑफ द स्वप्न वास्पता के लेखक पूछा गया, स्वप्न अस्पताल के लेखक पूछा गया है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भास, बी इज द करेक्ट आंसर होगा भास। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़िया, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का जो कि आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज राइट आंसर था यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, क्रोम मैग्नन मनुष्य बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातन की खुदाई से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका त्राम लिप्ति से प्राप्त होती है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, आधुनिक देवनागरी की लिपि का जो प्राचीनतम रूप है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी इज द राइट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो दिगंबर जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध धर्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं, बुद्ध धर्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिरत्न ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पर ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, बी इज द करेक्ट आंसर, ज्ञात्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई? बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, पाली में की गई थी, सी इज द राइट आंसर, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन काल में किया गया था? नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किसके शासन काल में किया गया था? तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, अशोक के शासन काल में किया गया था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो राइट आंसर जमाली, जमाली डी इज द राइट आंसर, जमाली आपका प्रथम शिष्य था महावीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पिया स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? किस हड़प्पिया स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? राइट आंसर होगा मोहन जोदड़ो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, गुप्त युग को कहा जाता है, गुप्त युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में भक्ति क्या थी? ठीक है,
भुक्ति, ठीक है, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राज्य था, ए इज द करेक्ट आंसर, स्टेट जिसे कहा जाता है राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर श्री गुप्त को माना जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर उपरिक महाराज के नाम से जाने जाते हैं, उपरिक महाराज के नाम से, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नरेश को कभी राजा कहा गया? निम्नलिखित में से किस नरेश को कभी राजा कहा गया था? तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, समुद्रगुप्त को कहा गया था, समुद्रगुप्त को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रस्तावित है जिसके रचयिता है उनके दरबारी कवि। राइट आंसर होगा यहाँ पे हरिशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के शासन काल के समय कांची का शासक समुद्रगुप्त के शासन काल के समय कांची का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, विष्णुगर्भ था, विष्णु गोपा, ठीक है, विष्णु गोपा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी सदी के गोखुल्य वारा मिहिर देश के किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, पश्चिम मलावा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? भारत की नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, समुद्रगुप्त, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था? तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त प्रथम बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर बी ए स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है, राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान प्राप्त करना, बुद्ध का अर्थ जो होता है ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? किसके मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ए पुल के युद्ध में इनमें से किसने बाबर को पराजित किया था? तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, सैबानी खान ने पराजित किया था, सैबानी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, सूत्री पैगंबर के आधुनिक व्यवहार जो है आपका सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, बलवन था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकबरों की अष्ट भुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, खुमस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर में सर की राज्य स्थापित किया था? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, मालिक सरवर ने किया था, सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, बाबर का नहीं है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन में भारत में पहली बार गैर मुस्लिम को सरकारी नौकरी में प्रवेश मिला था? तो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर, मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, मुहम्मद बिन तुगलक ने आपका प्रारंभ किया था सांकेतिक मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सम्मान किया था? तो राइट आंसर आपको दिख गया इसका, सी इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका तथा तांबे का
जीतल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का इल्तुमिस, इल्तुमिस ने किया था। आपका ए इज द करेक्ट आंसर, इल्तुमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी इज द करेक्ट आंसर, मीर बाकी ने करवाया था, मीर बाकी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, भू राजस्वर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुराल चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सही सत्य है? तो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी आपका सत्य है, जो दृश्य था पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण ये सभी थे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन सा था? मुगल काल में सेना का प्रधान कौन सा था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका बी इज द करेक्ट आंसर, मीर बख्शी, मीर बख्शी था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? तो राइट आंसर होगा मन शब्दारी था इसका राइट आंसर, मन शब्दारी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो राइट आंसर होगा 1686 में किया था, बी इज द करेक्ट आंसर, 1686। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा काल में हुआ था, तो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, शाहजहां ने किया था, शाहजहां इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, सहसाराम, सहसाराम में स्थित है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है आपका सिकंदराबाद में, सिकंदरा, ठीक है, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा सिकंदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के शासन काल में आक्रमण किया था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो राइट आंसर बुलंद दरवाजा का, ठीक है, बुलंद दरवाजा आपको दिख ही रहा है, ए इज द राइट आंसर, लोटी डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, हॉकिंस, हॉकिंस को भेजा था, हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? तो राइट आंसर मेवाड़, मेवाड़ का उन्होंने अपना उल्लेख किया था, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राइट आंसर होगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर, भू स्वराज्य था, भू स्वराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में था? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मुगल मोहम्मद तुगलक के दरबार में था? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा इन बतुता, इन बतुता बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये वीडियो देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।